नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वार्ड में ठेकेदारों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें समय अधिक लग रहा है। समय पर काम पूरा नहीं होने पर अब ठेकेदारों को नोटिस थमाना शुरू कर दिया गया है। इन ठेकेदारों को नाले से लेकर सड़क निर्माण तक का काम दिया गया था, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं किया गया है। अधिकतर जगहों पर अधूरा कार्य को लेकर लोगों में नाराजगी है। बेतिया नगर निगम के नगर आयुक्त शंभू कुमार के द्वारा समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए 10 ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया है। इसके पहले भी उनको नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी काम पूरा नहीं किया गया है। इस बार जो नोटिस जारी किया गया है, कार्य पूरा नहीं होने पर ऐसे ठेकेदारों का नाम जो है काली सूची में डाल दिया जाएगा। ठेकेदारों को 15 दिन का समय मिला है, इसी 15 दिन में इन लोगों को काम पूरा करके देना है। इसमें से वार्ड नंबर 9 में कार्य करने के लिए सरोज देवी को नोटिस दिया गया है। वार्ड संख्या 1 में अभिषेक गुप्ता को, बसवरिया के लिए साहिल अमीर को, उतरवारी पोखरा के लिए मीरा शुक्ला को, वार्ड संख्या 6 के लिए दामिनी कुमारी और वार्ड संख्या 27 के लिए सोनी देवी, सागर पोखरा के लिए अजीत कुमार को नोटिस दिया गया है। इन सब ठेकेदारों को 15 दिन का समय दिया गया है, इसी अवधि में उनके द्वारा काम पूरा करना होगा। अगर कार्य पूरा नहीं करते हैं तो इन सभी ठेकेदारों का नाम काली सूची में डाल दिया जाएगा। काली सूची में नाम डालने के बाद इन लोगों को टेंडर मिलना मुश्किल हो जाएगा, आगे से किसी योजना पर काम नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल ग्राम पंचायतों के वार्डों में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, लेकिन वहीं नगर निकाय के वार्डों में जो कार्य किया जा रहा है सब आधा अधूरा है। इस पर अपना कोई राय हो, सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।